मंडी जिला के सरकाघाट में अधिवक्ता सुरेश राठौर के साथ हुई मारपीट के विरोध में पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट अधिवक्ताओं ने हमीरपुर में भी कामकाज ठप रखा, साथ ही जिला न्यायालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रमजीत की अगुवाई में सभी अधिवक्ताओं ने कामकाज को ठप रखा और किसी भी केस की पैरवी तक नहीं की। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उप प्रधान एडवोकेट विक्रांत ठाकुर ने बताया कि सरकाघाट में एडवोकेट की निर्मम पिटाई की गई है, जिसमें पुलिस ने मामला भी मात्र औपचारिकता पूरी करते हुए दर्ज किया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पुलिस के जवानों ने एडवोकेट की पिटाई की है और इस मामले में पुलिस के कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो प्रदेश भर के बार एसोसिएशन के सदस्य उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सरकाघाट में एडवोकेट सुरेश राठौर जी की वहाँ की पुलिस ने निर्मम पिटाई की, उसी इसमें हम विरोध कर रहे हैं कि ये कोर्ट जो है उसका सारा काम ठप किया गया है, कोई भी एडवोकेट अपीयर नहीं हुआ है इसमें, और हमारी ये डिमांड है कि उसके लिए प्रशासन जो है वो उच्च से उचित कार्रवाई करे, उसमें एक अच्छे तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि दोबारा से ऐसी कोई भी घटना ना घटे। हाँ, जो पुलिस के लोग इसमें गुनहगार हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में एडवोकेट्स या किसी भी जनता के किसी भी लोगों के साथ कोई भी इस तरह की घटना ना हो। गौरतलब है कि सरकाघाट में अधिवक्ता सुरेश राठौर के पुलिस के जवानों ने निर्मम पिटाई कर दी थी और इस मामले में पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके चलते अब प्रदेश भर के अधिवक्ता भी पुलिस के रवैये से नाराज होकर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।